हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एम के आर किचन में। एम के आर किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी चटनी। हम बनाएंगे कच्चे केरी की खट्टी मीठी चटनी। इमली की भी खट्टी मीठी चटनी होती है, तो अभी मैंगो का सीजन है तो इसीलिए हमने ये कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब है। आप इसे ज़रूर से बनाइए, चाट में, दही बड़े में और पापड़ी चाट में, बहुत सी चाट चाट की रेसिपी में और समोसा में, तो मज़ा आ जाएगा खा के। तो आप इसे ज़रूर से बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम, आधा किलो आम, कच्चा आम हमने धोकर साफ़ कर लिया। अब हम छील कर इसका पल्प निकाल लेंगे। तो हमने ये डिब्बा भर कर हमने पल्प निकाला है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे 1 कप। अब इसे उबाल लेंगे हम, थोड़ा सा पक जाए तब तक हम इसे पकाना है। तो हम देख लेंगे पक चुका है कि नहीं। तो हमारा ये पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए पक चुका है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। तो हमारा ये पल्प सब ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, खजूर ले लेंगे, बहुत ही टेस्टी होता है खजूर, आप ज़रूर से डालिएगा। तो हम इसमें खजूर को ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ बैटर हमें बनाना है तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड हो चुका है, देखिए इसकी बहुत ही स्मूथ बना है ये बैटर। हमें इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे पकाना शुरू कर देंगे क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। तो हम एक पैन लेंगे और सारे बैटर को हम पैन में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसे मिला देंगे अच्छी तरह से। और हमने क्या किया है, गुड़ को पका लिया है पहले से, थोड़ा सा पका कर छान लिया है क्योंकि कुछ भी कचरा हो तो निकल जाएगा, इसके लिए हमने पहले से छान के गुड़ को रखा है। और हम गुड़ को ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पर चीनी का यूज नहीं किया है, आप लोग चीनी डालना चाहते हो तो 400 गुड़ डाल दीजिए और 100 ग्राम चीनी डाल दीजिए, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और मैं सिर्फ गुड़ में ही बना रही हूँ तो मैं चीनी नहीं डालूँगी, आप अगर चाहो तो डाल सकते हो। हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और पकाएंगे इसे। जितनी पकती जाएगी वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इलायची को थोड़ा सा हमने कूट लिया है, अब हम इसे तोड़ कर डाल देंगे। अब नमक डालेंगे और ये काला नमक भी हम डाल देंगे 1 चम्मच। और ये जिंजर जो अदरक का पाउडर होता है, सौंठ का पाउडर, वो हम डालेंगे 1 चम्मच। मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर। ये भुना हुआ जीरा जो पाउडर डालते हैं ना, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इससे। और हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसे भी 1 चम्मच डालकर सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और ये जैसे जैसे पकते जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर देखेंगे तो आप बोलेंगे बहुत ही अच्छा कलर आ गया इसका, देखिए। और ये जैसे जैसे पकते गया और इसका कलर भी चेंज हो गया, इसमें एक शाइनिंग सा दिख रहा है ना, एक शाइनिंग सा। बस ये यहाँ तक ही हमें रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से पका लिया, अब हम बंद कर देंगे गैस को। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारा ये खट्टा मीठा चटनी जो कच्चे केरी का बना है, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है। तो हम इसे हम क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे और एक कंटेनर में रख देंगे क्योंकि इसे 6 महीने तक आप रख सकते हैं फ्रिज में, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे इंजॉय कर सकती हैं पानी पूरी के साथ, चाट के साथ, पापड़ी के साथ और समोसे के साथ, तो मज़ा आ जाएगा खाकर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए, ट्राई कीजिए बनाने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।